बोले भक्त स्वर भगवान की। एक बार पंजाबी लोग गए मथुरा भगवान का नैया की जन्मभूमि पर परीक्षित महाराज। तो जो पंजाबियों की भाषा रहे वो कुछ और डिजाइन की है, सबसे अलग होती है। तो पंजाबियों ने भगवान कन्हैया की मूर्ति को देखने के बाद पंजाबी बोले भगवान कन्हैया से प्रार्थना करते हुए कि हे श्याम सुंदर, अब तक तुम जो यूपी में रहे हो लेकिन हमारी पंजाब का मालूम है क्या हाल होगा कि तुसी पैण दी पंजाबियों दी पल्ले। पंजाबी बोले अपनी भाषा कि आज तुम हमारे कब्जे में आ गए, यानी हमारे पल्ले पड़ गए कि तुसी पैण दी पंजाबियों दी पल्ले, ओ श्याम तेरी बल्ले बल्ले। बोले अगर तुम हमारे पंजाब में पहुंच गए ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुसी पैण दी, तुसी पैण दी, तुसी पैण दी पंजाबी दी बल्ले, श्याम तेरी बल्ले बल्ले। और बोले सुना यूपी में खाया तुमने, अरे यूपी में खाणदा माखण विसरी, यूपी में खाणदा। बोले श्याम सुंदर यूपी में तुमने जो माखण मिश्री खाया है लेकिन माखण मिश्री पंजाब में नहीं मिलेगा। यूपी में खाणदा माखण विसरी, यूपी में खाणदा, लेकिन माल में पंजाब में क्या मिलेगा। वहां खाने पड़ेंगे दही बल्ले। बोले कन्हैया दही बल्ले बहुत मिलता है, खाने पड़ेंगे दही बल्ले। ओड़ी तुम काली कमरिया, यूपी में ओड़ी तुमने, लेकिन श्याम माल में हमारे पंजाब में क्या होगा। वहां पहनन पड़ेंगे छाप छल्ले, क्योंकि पंजाब की ड्रेस कुछ अलग दिशा की है। वहां पहनन पड़ेंगे छाप छल्ले और श्याम बल्ले बल्ले। साथ सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर आरती के लिए हरि बोल।